करतारपुर राहदारी हुकूमत का बेहतरीन इकदाम करार। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की हुकूमत को राहदारी के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश। कहा कि कश्मीर का मसला हल तलब है, भारत पर कश्मीर का दबाव कम नहीं होना चाहिए। हुकूमत को वजीर आजम के इस्तीफे के अलावा मौलाना फजलुर्रहमान के तमाम मुतालबात मानने चाहिए। सिंध हुकूमत से कराची के मसाइल हल नहीं हो रहे, साइंस सरकार को अकल से काम लेने का मशवरा दे दिया। करतारपुर राहदारी आज बाकायदा उसका इफ्तिताह हो रहा है और ये रास्ता खोला जा रहा है। मैं वजीर आजम इमरान खान को, उनकी हुकूमत को इस पर मुबारकबाद पेश करूंगा। लेकिन ये जो मादर पेदर इजाजत दी गई है कि भारत से कोई भी पाकिस्तान में आ जाए, उसे ना पासपोर्ट दिखाने की जरूरत है ना वीजा लेने की जरूरत है, मेरे ख्याल में ये हमारी सलामती के लिए एक बड़ा चैलेंज है और बड़ा सवाल है। कश्मीर का मसला अपनी जगह हल तलब है, भारत पर उसका दबाव कायम रहना चाहिए। हुकूमत का तर्ज हुक्मरानी ना सिर्फ बुरा है बल्कि कोई तर्ज हुक्मरानी नहीं है। अलबत्ता मौलाना साहब के जितने जायज मुतालबात हैं हम समझते हैं वो सही हैं, इस्तीफे को छोड़कर, ये मेरी राय है। बाकी मुतालबात को मानना चाहिए, हल्के खोले जाने चाहिए। जहाँ जहाँ धांधलियाँ हुई हैं, हजारों बैलेट पेपर लापता हैं, उम्मीद नहीं है क्योंकि सौतेली माँ से भी बदतर का सलूक हुकूमत सिंध कर रही है कराची और सिंध के दीगर शहरों के साथ। तो KMDC किस गिनती में है जब कराची को ही फंड नहीं मिले, K4 का मनसूबा ही शुरू नहीं हुआ, एक बूंद पानी की फराहमी में इजाफा नहीं हुआ, उबलते हुए गटर उनको नजर नहीं आते, कुत्तों के काटे के बाद के वैक्सीन नहीं है अस्पतालों में, तो आप क्या खैर की तवक्को करेंगे।